आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे कारोबार करते हैं या आप चाहे सरकारी अफसर हैं, मैं तजवीज ये देता हूं कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी में अपने हिस्से की शमा जलाना शुरू कर। मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये तजवीज दिया करता हूं कि आप में से कोई एक स्टूडेंट ये मुहिम चला दे कि यार मुस्कुराया करे, सड़ियली ना बने रहा करे। अब इस बात पे तो मुस्कुराए ना जरा। एक शख्स मुहिम चला दे कि जी हॉर्न बजाने से नॉइज पोल्यूशन पैदा होती है, हॉर्न मत बजाया करें। कोई एक शख्स मुहिम चला दे कि यार गीबत ना किया करें, गीबत तो बुजदल लोग करते हैं, बहादुर तो मुंह पर बात कर दिया करते हैं। कोई एक शख्स मुहिम चला दे कि अपने दिल को साफ रखा करें, इसको बुगज से, हसद से, नफरत से, कीने से पाक करें। मुझे एक मैडम है, उन्होंने गिफ्ट किया, लॉयर हैं, ट्रेनर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पर लिखा था द क्लीनर यूर हार्ट द ग्रीनर यूर फ्लैग। हम अपने दिलों को साफ कर लें, हमारा मुल्क तरक्की करना शुरू कर दे, वो मुआशरा तरक्की करना शुरू कर देता है। मैं एटीट्यूडिनल ट्रेनर हूं, मैं सबसे ज्यादा एटीट्यूड पे बात करता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करता हूं। मैं दावे से कहता हूं हमारे मुआशरे के, हमारे घरों के 95% प्रॉब्लम्स, हमारी टेंशन, हमारी वरीज, हमारा डिप्रेशन हमारी अपनी वजह से होता है, हमारे अपने एटीट्यूड की वजह से होता है, हमारे अपने माइंड की वजह से होता है, हमारे अपने थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होता है। तो एक मुहिम चलाएं कि दिल को साफ रखें। वैसे भी देखें, बुजुर्गों ने कहा मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टेंदा, पर दिल ना किसे दा टामी बंदिया, रब दिलां विच रहिंदा। और इकबाल ने तो यहां तक कहा, उसने कहा अरशे इलाही से कम सीना है आदम नहीं, गर्चे कफे खाक की हद है सपहरे कबूद। वो कहता है ये खाकी पुतले की हद तो नीला आसमान है, लेकिन यहां वो रहता है। तो इसको साफ रखना है। आप में से कोई एक मुहिम चला दे कि प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करना है, आप में से कोई एक मुहिम चला दे कि इस मुआशरे में सबसे ज्यादा इज्जत उस्ताद को देनी है, कोई एक मुहिम चला दे कि मुतालिया की आदत को, बुक रीडिंग को प्रमोट करना है, कोई एक मुहिम चला दे कि सेहत का ख्याल करें कि ईमान के बाद सबसे कीमती चीज आपकी सेहत है, कोई एक मुहिम चला दे कि साइकिल चलाया करें, एक मुहिम चला दे कि पैदल चलने की आदत डालें, कोई एक मुहिम चला दे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स का बाइकॉट करें और इनके बजाय सत्तू पिया करें, कोई एक मुहिम चला दे कि इन बर्गर्स का बाइकॉट करें और ऑर्गेनिक फूड की तरफ आए, कोई एक मुहिम चला दे कि आइंदा से मैं ये चाहूंगा, आज आप अल्लाह करे कि इसका आगाज करें कि आइंदा हम में से कोई शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, वादा करें कि हम कभी भी कोई रैपर, जूस का खाली डिब्बा, जूस की खाली बोतल, कोई टिश्यू, कोई कागज कभी किसी पार्क में नहीं फेंकेंगे, सड़क पर नहीं फेंकेंगे, फुटपाथ पर नहीं फेंकेंगे, अपने कैंपस में नहीं फेंकेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि एक बंदा मुहिम चला दे कि टॉयलेट को साफ रखा करें, और मुझे यह लगता है कि जिसने ये मुहिम चला दी उसकी जन्नत पक्की। इसलिए कि जो दीन सफाई को निसफ ईमान करार देता हो, कैसे मुमकिन है कि वो टॉयलेट को साफ रखने की मुहिम चलाने वाले को जन्नत का हकदार ना बना दे। और मैं तो यह भी कहूंगा कि ये यूक्रेन और रूस की जंग से ज्यादा बड़ा अहम मसला मेरे और आपके लिए यह है कि मेरा और आपका टॉयलेट साफ है कि नहीं। तो इससे आगाज करें, अपनी जात से आगाज करें। हम अपने 5 फुट के जिस्म पर तब्दीली नाफज नहीं कर सकते। हम कहते हैं दुनिया में हमने तब्दीली लानी है, मुल्क में तब्दीली लानी है, अगर अपने दिल पे नहीं हुक्मरान मुसख़्खर हो किस तरह सारा जहां। और मैं चाहता हूं कम अज कम अपने आप को, इकबाल के सारे पैगाम का क्रक ये है कि अपने आप को खुदारा पहचानो, कंदीले महो महर का अफलाक पे होना कुछ इससे ज्यादा है मेरा खाक पे होना। अपने आप को पहचाने, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ग्रेट, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग स्पेशल। ये तो ना हो कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। थैंक यू वेरी मच।